तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगी कैप स्लीव कैसे बनाएं। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जो कि मैंने ये कपड़ा कट कर लिया है, मैंने दो स्लीव के लिए इस तरह से ले लिया। आपको इसकी लंबाई चौड़ाई भी बता देती हूँ। ये 12.5 इंच है चौड़ा और लंबाई इसकी 15 इंच है। तो मैंने दोनों स्लीव एक साथ कट करूँगी, तो इस तरह से मैंने कपड़ा ले लिया है। अभी इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो ये हमने तिकोना फोल्ड किया है एक कोने से दूसरे कोने तक। अभी हम इसको इस तरह से लेंगे, डबल दोनों स्लीव एक साथ कट कर रहे हैं और इसमें लाइनिंग वगैरह कुछ भी नहीं डालना है आपको। जो स्लीव आएंगी वो इस तरह से ही आएंगी। आप जितना इसकी लेंथ रखना चाहें उतना रख सकते हैं। मैं इसको 3.5 इंच ले रही हूँ, जो कि हाफ इंच हमारा शोल्डर पर स्टिचिंग में चला जाएगा और 3 इंच की स्लीव हमारी तैयार हो जाएंगी। यहाँ से हम बहुत कम लेंगे, ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, ओनली 1 इंच के आसपास ले रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह से आप यहाँ पर निशान लगा दें 1 इंच का और इसको इस तरह से ड्रॉ कर दें। तो ये इस तरह से आएगा। तो जो हमने ड्रॉ किया है सेम ड्रॉ पे आप इसको कट कर लें। ये स्लीव हमारी कुछ इस तरह से दिखेंगी। तो ये हमने दो स्लीव एक साथ कट कर लिए और इसको हम इस जैसे देख सकते हैं इस तरह से आ रही है, जैसे हमने खोल दिया। जब हम इसको स्टिच करेंगे तो इस तरह से करेंगे। नीचे आपको कुछ भी नहीं करना है, फोल्ड भी नहीं करना है, ना स्टिचिंग डालना है, कुछ भी नहीं। इसको इसी तरह रखना है। और जो हमारी ये शेप है यहाँ पे आप मशीन से इसको स्टिच कर लें, जिससे कि ये स्लीव सेट हो जाए। सेट हो जाने के बाद दोनों स्लीव सेट कर लें, उसके बाद एक्स्ट्रा गुलाई दें जो कि फ्रंट में देनी है। जो स्लीव मैंने कट की थी तो आप देख सकते हैं, अगर आप खोलेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेंगी ये स्लीव। अभी हम इसको सेंटर से फोल्ड कर देते हैं तो ये इस तरह से दिखेगा। तो जो हमारा ये दो पीस ओपन है तो हम इसको पहले स्टिच डाल लेते हैं दोनों पीसों में। स्टिच डालने के बाद फिर हाफ एक्स्ट्रा गुलाई देंगे। हम इसको स्टिच कर लेते हैं और उसके बाद हाफ इंच हम फ्रंट में एक्स्ट्रा कटिंग देंगे। बाद आप इसमें गुलाई दें। आउट लाइनिंग मैंने स्टिच किया है तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर है। आपको नीचे भी कुछ भी नहीं है, ना तुरपाई करनी है, ना जॉइंट भी नहीं है, कुछ भी नहीं, एकदम क्लोज है। तो इसका लुक इस तरह से आएगा। और सेम स्लीव का ब्लाउज का भी मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप वो भी देख लें, जिससे कि आपका डिजाइनर ब्लाउज बनकर तैयार हो जाए। अभी मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखाती हूँ, ब्लाउज में किस तरह अटैच करें। तो जो भी ये ब्लाउज बनाया है मैंने, ये फ्रंट डिजाइन भी बनाई है और इसकी बैक नेक डिजाइन भी बनाई है। तो आप देखें इस तरह से आएगा। इसकी ओपनिंग बैक साइड है और मैंने इसका स्लीव डिजाइन बनाया था, तो स्लीव मैंने एक साइड अटैच कर दी है। तो आपको बताती हूँ दूसरी साइड किस तरह से अटैच करें। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लुक आ रहा है हमारा स्लीव का। सेम अभी इसमें आपको अटैच करना बताती हूँ। तो पीस को ऐसे रख लें और ये चीज़ देख लें कि जो ज़्यादा कटा है वो किधर आ रहा है। तो देखिए ये ज़्यादा कटा आएगा जो आगे की तरफ, तो हम इसको स्टिच करेंगे तो देखिए इस तरह से आएगा। ये पीस हमको यहाँ पर अटैच करना है, तो ये स्टार्टिंग से हम इसको अटैच करते हैं। देखिए हमने कट किया था तो इस तरह से आ रहा है फ्रंट में और बैक साइड में इस तरह से। तो देख सकते हैं कितना सुंदर लुक आ रहा है हमारा स्लीव का। तो मैंने एक स्लीव हमारी तैयार हो गई, तो आप देख सकते हैं इस तरह से आ रहा है। फिटिंग आपको अपने साइज के अनुसार करनी है, उल्टा रख लें और जो आपको मार्जिन है यहाँ से लेके कमर तक आप उस हिसाब से इसमें फिटिंग दे सकते हैं। आप इस आसान तरीके से कैप स्लीव बना सकते हैं।
दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।